नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल प्रदीप पोटलीवाला में। इंस्टेंट वाटर हीटर के जो इस तरह के मॉडल आपने देखे होंगे, ये लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा पीसेस अब तक इंडिया में बिक चुके हैं। अलग अलग वेबसाइट के थ्रू अलग अलग लोगों ने इसको बेचा है। अब अगर चीज़ लोगों के पास पहुँची है तो वो चला रहे होंगे इसको, और अगर चला रहे हैं तो एक ना एक दिन ख़राब भी होगी। अब अगर ख़राब होती है तो इसको रिपेयर करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको वो सारे तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आप इसको पूरी तरह से रिपेयर कर सकते हैं, इसकी हर चीज़ सही कर सकते हैं, इवन इसके एलिमेंट तक चेंज कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे एलिमेंट कैसे बदलना है, इसका डिस्प्ले कैसे बदलना है, या फिर इसका कोई भी अदर पार्ट्स है वो सब कैसे चेंज करना है। ये सब पार्ट्स आपको हमारे पास मिल जाते हैं, इवन इसकी बॉडी भी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। तो आप हम ये हमसे लेकर इसको चेंज कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। काम की काफ़ी कमी हो गई है तो एक बेहतर ऑप्शन है ये कि अगर आप इसका रिपेयरिंग का काम सीख लेते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो तरीके कि इसको बिना खोले आप कैसे रिपेयर करते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली ख़राबी बहुत कम होती है, इसका एलिमेंट ना के बराबर ख़राब होता है। इसमें जो कमियां आती हैं सिर्फ वो आती हैं कि लो प्रेशर वगैरह की हैं, इस तरह की कमियां आती हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक बारीकी से डिटेल बताऊँगा कि किस तरह से आप लो प्रेशर की कमियों को दूर कर सकते हैं, या फिर कोई अदर टेक्निकल इश्यू है तो उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि बिल्कुल अगर आपको इसका एलिमेंट वगैरह चेंज करना है तो उसको आप खोल कर कैसे चेंज कर सकते हैं। इसका सारा सामान, सारे पार्ट्स आप हमसे ले सकते हैं। तो जल्दी से इसकी शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले मैं आपको इसको लगा कर दिखाता हूँ और देखते हैं कि इसमें जो लो प्रेशर की दिक्कत आती है उसको हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसको खोल के दिखाएंगे, ओपन करेंगे कि कैसे इसका हम एलिमेंट चेंज करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो समस्या आती है वो आती है लो प्रेशर की समस्या। होता क्या है कि हम अक्सर जब गीज़र परचेज करते हैं, प्लम्बर को बुलाकर उसको लगवाते हैं, इंस्टॉल करवाते हैं, हमें पता चलता है कि जैसे हम उसको ऑन करते हैं कि वो ऑन ही नहीं हो रहा, डिस्प्ले में कुछ भी नज़र नहीं आता आपको। तो आप क्या करते हो, जहाँ से आपने लिया आप उसको कॉल करते हो, लेकिन जब तक वो आपको रिप्लाई करेंगे, रिजोल्यूशन देंगे, तब तक आपका प्लम्बर क्या करता है, उसको उतार के रखवा देता है, पैक करवा के वापस आपका टैप लगा देता है। तो होता क्या है कि ये प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इश्यू जो आता है, सबसे बड़ा इश्यू आता है कि लो प्रेशर आपके यहाँ था, गीज़र में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन लो प्रेशर वजह से चला नहीं। तो मैं आज आपको लो प्रेशर को चेक करने के वो सारे तरीके बताऊँगा कि जिससे आप लो प्रेशर चेक कर सकते हैं कि लो प्रेशर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या फिर एक्चुअल में मशीन में प्रॉब्लम है। दूसरा, आपको सोल्यूशन बताऊँगा कि लो प्रेशर, जो लो प्रेशर की जो समस्या है उसको आप कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे आपका ये गीज़र लग गया है तो आपको क्या चेक करना है, मैं बारी बारी सुधार रहा हूँ। सबसे पहले अपना मेन प्लग चेक कर लीजिए कि उसमें पावर आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पीछे पावर ही नहीं होती, हम चेक कर रहे होते हैं। तो हमने चेक किया, पावर आ रही है, ठीक है। और इस गीज़र का हमेशा उसूल है, एक याद रखिए नियम है कि हमेशा इसको पहले आपको ठंडे पानी की साइड चलाना है। कभी भी सीधा इसको गर्म पानी की तरफ नहीं करना है, हमेशा पहले सर ठंडे पानी की तरफ करना है, उसके बाद गर्म पानी की तरफ करना है, ठीक है। अभी गीज़र ऑन करते हैं तो मैं पीछे से प्रेशर डाउन कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रेशर डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कम से कम मिनिमम प्रेशर है। अभी क्या होगा कि जैसे मैं ऑन करूँगा तो ये ऑन नहीं होगा। तो अभी आप क्या सोचेंगे कि गीज़र ख़राब है, लेकिन अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, उसके बाद इसका रेजोल्यूशन बताऊँगा, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले इसको बंद कर लेते हैं, जिसका आगे का नोज़ल है इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। अभी क्या कीजिए, इसको ऑन कीजिए और इसको गर्म पानी की साइड कर दीजिए और इसको जो है आप अच्छे से दबा दीजिए। अभी देखिए गीज़र ऑन हो गया है, ठीक है। जैसे ही आप दबाएंगे गीज़र ऑन हो जाएगा, प्रेशर क्रिएट होगा। तो दोस्तों, ये पहला तरीका था कि ये चेक करने का गीज़र में प्रॉब्लम है या फिर आपके यहाँ प्रेशर की प्रॉब्लम है। ये करते समय आप सुनिश्चित करें कि आपकी जो पानी की टंकी है वो पूरी भरी होनी चाहिए, फुल होनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ ऑलरेडी लो प्रेशर था। अगर मान लो टैंक में पानी कम है तो वो ज़्यादा लो प्रेशर दिखाएगा। तो पहले अपनी पानी की टंकी को फुल भर लीजिए, उसके बाद ये वाला एक्सपेरिमेंट कीजिए।
तो चलिए मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ क्या करना है आपको। अब लो प्रेशर है उसको बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन ये होता है कि आउटपुट पे हम आउटपुट को कम कर सकते हैं। पीछे से प्रेशर तो नहीं बढ़ेगा लेकिन आउटपुट कम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम, एक इस तरह का डाइवर्टर आता है, इसका काम वैसे शावर का है, तीन चार तरह का शावर बन जाता है, वैसे किचन के लिए होता है, लेकिन आप इसको लगा सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, ये आपका शावर आता है, इसको आप हम ले सकते हैं। अगर आप जब ऑर्डर करें, अगर आपको लगता है कि प्रेशर कम है तो इसको हमेशा साथ में ऑर्डर करें। अभी आपको करना क्या है कि अगर आपके यहाँ नॉर्मली चल जाता है, एक तरीका होता है कि हमने नॉर्मली लगाया ही, अभी क्या था है? नॉर्मली चल गया क्योंकि मेरे यहाँ इनफ प्रेशर है। अगर प्रेशर बिल्कुल डाउन है और नहीं चल रहा है तब क्या करना है? पहला तो आपका काम इसी से हो जाएगा अगर आप ये लगा लोगे। सेकेंडरी है कि अगर आपका इससे भी नहीं चलता है तो क्या करना है बता देता हूँ आपको। आपको इसको आगे का, इसके जो आगे का पार्ट है इसको खोलना है। आपको इस प्लेट को रिमूव करना है। जब आप प्लेट को रिमूव करोगे तो आपके पास में इस तरह से ये प्लेट आ जाती है। इसके अंदर ना होल हैं, छोटे छोटे होल हैं, तो आपको जितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना है तो उतने होल आपको बंद करने पड़ेंगे। आपको जितना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करना है उतने होल्स बंद करने पड़ेंगे। अब इसमें होल बंद करने का तरीका क्या है कि यहाँ पर आप एल्फी डालिए और ऊपर कोई बालू रेत या फिर आटा डाल दीजिए तो ये इसके होल्स बंद हो जाएंगे। बाकी अब थोड़े से होल रह जाएंगे तो उतना प्रेशर क्रिएट होगा इसमें, तो इसको वापस लगा के एल्फी लगा के मिट्टी डाल के और वापस इसके अंदर सेट करके और अपना लगा सकते हैं आप। तो इससे आपका ऑलमोस्ट सारा काम हो जाएगा, आपका जो प्रेशर का इश्यू था बिल्कुल रिजोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका चल जाएगा। इससे आगे बात करते हैं कि मान लीजिए इससे भी नहीं चल रहा तो उसके बाद ट्रबल शूट क्या होता है, तो वो चेक कर लेते हैं। मैं एक दूसरा गीज़र दिखा रहा हूँ आपको। आपको क्या करना है, इसकी ये वाली साइड खोलनी है। आपको ठंडे पानी की साइड इसका हैंडल घुमाना है, जो अभी ठंडे पानी की साइड है, और ये जो पत्तियां नज़र आ रही हैं, एक ये है एक ये है, ये माइनस प्लस नहीं है, ये स्विचिंग है, स्विच का काम करते हैं, तो इनको यहाँ पे इस तरह से टच करना है। तो ये ठंडे पानी साइड भी करोगे तब भी चल जाएगा, ये एक चेक करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। ये टच करना है, ठीक है? अब मैं उसमें टच करके दिखाऊँगा आपको। ये अभी ये पावर ऑन कर दिया मैंने और इसको ठंडे की साइड कर दिया है। तो ठंडे की साइड में कभी गीज़र ऑन नहीं होता, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, इन पत्तियों को टच करूँगा आपस में। ये चल गया, ठीक है? तो कितना ही प्रेशर कम हो और गर्म की साइड करूँगा तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन मान लीजिए पीछे से प्रेशर नहीं है, पीछे से प्रेशर बहुत कम है, ठीक है, तो तब भी ये चल जाएगा। तो ये दूसरा तरीका था इसको चेक करने का कि ये ठीक है या ख़राब है। तीसरी जो इसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है वो ये आता है कि टेम्परेचर कम नहीं कर रहा है।
मैं आपको बता दूं कि इसमें ना ये 3 किलोवाट का एलिमेंट लगा होता है, क्योंकि पानी आया और चला गया, आया और चला गया, तो इसको गर्म करने के लिए एटलीस्ट 3 किलोवाट का एलिमेंट चाहिए ही होता है। तो ये 3 किलोवाट का एलिमेंट ज़्यादा गर्म करता है, किसी के यहाँ पे पानी का प्रेशर ज़्यादा है तो नॉर्मल गर्म करेगा, पानी का प्रेशर कम है तो ज़्यादा गर्म करेगा। तो इसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पे आपको लगता है कि पानी ज़्यादा गर्म कर रहा है, तो आप हमेशा अपनी पानी की टंकी को फुल करके इसको चलाएं, तो आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड करेगा, और पानी की स्पीड को हमेशा मैक्सिमम पर रखें। मतलब जितना पानी आप कम करेंगे उतना ज़्यादा गर्म करेगा, स्पीड से गर्म करेगा, जितना पानी आप ज़्यादा लेंगे उतना कम स्पीड से गर्म करेगा। और इसके अलावा हमारे पास एक 1.5 किलोवाट में भी आता है, अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे आपको नॉर्मल पानी चाहिए, कि मतलब ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, तो आप हमसे 1.5 किलोवाट एलिमेंट वाला भी ले सकते हैं। आपको पहले बताना होगा कि मुझे कम गर्म करने वाला चाहिए, तो आपको 1.5 किलोवाट में भी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने सारे तरीके आजमा लिए, नहीं चल रहा है, यानी कि आपको पता चल गया कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा लो प्रेशर है, आपने टच किया तो चल गया, अब उस टच करने को आप पेचकस लेके खड़े तो रहेंगे नहीं कि मुझे टच करना हो चलेगा, तो उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ आपको क्या करना है। अगर आपके यहाँ पे लो प्रेशर है, तो आपको ये जो नीचे वाली पत्ती है और ये जो ऊपर वाली पत्ती है, इनके बीच में जो गैप है उसको कम करना होगा। इसके लिए आप इसको थोड़ा सा दबाएंगे, ठोकेंगे थोड़ा सा इसको हल्का हल्का किसी चीज़ से, तो ये नीचे चली जाएगी, तो इसके अंदर जो गैप है वो कम हो जाएगा। मैं अभी आपको टेबल पर करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आपको जो आपके यहाँ लो प्रेशर की अगर दिक्कत है, तो आपको इन दोनों पत्तियों को मतलब थोड़ा सा इसमें जो इस गैप है उसे कम करना होता है। होता क्या है बेसिकली, कि पानी जब यहाँ से जाता है तो पीछे इसका स्विच लगा रहता है अंदर, तो स्विच जो है इसको थोड़ा सा धक्का आता है, पुश आता है, तो ये वाली पत्ती ऊपर उठती है और इस पत्ती से टच हो जाती है। तो ये छोटा सा मैकेनिकल वर्क है जो कि इसके अंदर चलता है, जिसकी वजह से गीज़र ऑन होता है प्रेशर आने पर। तो अभी आपके यहाँ प्रेशर कम है, तो आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि ये जो पत्ती है इसको यहाँ पे रख के स्क्रू ड्राइवर को, ठीक है, हल्की सी चोट मारनी है ऐसे, इस तरह से। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा आपका लो प्रेशर है उतनी ज़्यादा इसको नीचे कर लीजिए, कुछ इस तरह का एक स्ट्रिप लेके चेक कर लीजिए कि हाँ गैप है, बिल्कुल माइनर सा गैप रह जाए बस, तो काफ़ी है। मतलब अभी इसमें और गुंजाइश है और नीचे जा सकती है पत्ती, ठीक है, अभी जा रहा है, तो मैं इसको और नीचे कर लूँगा। तो अभी बिल्कुल पोजीशन पे आ गई है, जितनी ज़्यादा बैंड कर सकते हो आप उतनी ज़्यादा बैंड कर लो, ताकि नीचे वाली पत्ती से टच हो जाए, ठीक है, तो ओके है ये। तो इस तरह से आपका लो प्रेशर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं कि बिल्कुल ही नहीं चल रहा है, आपने हर जतन करके देख लिया, लो प्रेशर स्विच ही ख़राब हो गया, मान लीजिए आपका पीछे से उठ ही नहीं रहा वो, तो अब लास्ट ऑप्शन जो बचता है मैं आपको वही बता देता हूँ उसमें क्या करना है आपको। आपको जो इसमें ये वाला तार नज़र आ रहा है, इस तार को यहाँ से निकाल के इस वाले पे लगा देंगे, तो मतलब जो स्विचिंग की जो जो ऑप्शन था, फंक्शन था, वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, इसमें होगा क्या कि आपका हमेशा डायरेक्ट चलेगा। आपको जो है एक चीज़ होती है कि मेरी चीज़ कोई ख़राबी हो गई है, बिल्कुल कूड़ा हो गया, कूड़ा होने से बेटर है कि ये अगर आप डायरेक्ट चला लेंगे, तो आप जब मेन मेन पावर से आपको सिर्फ ऑन ऑफ करना होगा। जब भी आपको पानी लेना है तो पानी वैसे ले लीजिए, ठंडा गर्म जैसे मुझे लेना है, ठंडा तो ले सकते हैं दोनों साइड से, लेकिन जैसे ही पावर ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा, चाहे ठंडे की साइड है चाहे गर्म की साइड है। तो मैं करके दिखा देता हूँ, वो लास्ट ऑप्शन होता है कि अब गीज़र ख़राब होने की स्थिति आ गई, फेंकने की नौबत आ गई है, तो फेंकने की नौबत ना आए तो उसके लिए ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। तो आप इसको खोल लीजिए यहाँ से, इसको वापस यहीं लगा देंगे स्क्रू को, ताकि कभी फ्यूचर में जरूरत पड़े तो यूज़ कर लें, ठीक है। इसको खोलेंगे इस वाले को,
इस वाले को इसके साथ ही अटैच कर देंगे, यानी कि स्विचिंग का काम ख़त्म, अब स्विचिंग नहीं करनी, अब हमें डायरेक्ट चलाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि सिंपल जो तार इसमें लगा हुआ था, एक ये तो इसी में ही था और ये वाला इसमें था, अब मैंने दोनों एक ही में लगा दिए, यानी कि मुझे स्विचिंग की ज़रूरत नहीं है अब। तो अब मैं इसे चला के दिखा देता हूँ। होगा क्या है कि अब इसको आप ऑफ़ की पोजीशन में भी रखेंगे ना यहाँ पे भी, तब भी ऑन रहेगा अगर आपका पावर पीछे से ऑन है। ठंडे पे भी ऑन रहेगा, गर्म पे भी ऑन रहेगा, और लो प्रेशर का, किसी तरह का प्रेशर का कोई चक्कर नहीं। ठीक है, इसे चेक कर लेते हैं एक बार। तो अभी हमने इसको लगा दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जैसे आपको नॉर्मल ठंडा पानी लेना है, दोनों साइड से अभी ठंडा आएगा आपका, क्योंकि मैंने पावर बंद कर रखी है। लेकिन अभी जैसे पावर आप ऑन करेंगे तो ये गर्म वाली साइड भी चलेगा, बंद करेंगे तब भी चलेगा, और यहाँ पे भी चलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब आपका, अगर आपको ठंडा पानी लेना तो पावर बंद करनी पड़ेगी। तो ये आपका, अगर मैं बोलूँ तो, डायरेक्ट हो गया है। तो जब भी आपको चलाना होगा, ठंडे की साइड करेंगे, गर्म की साइड करेंगे, अपना पावर ऑन कर देंगे। जब बंद करना होगा पावर ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो मेरा कहने वाला ये है कि फेंकने से बेटर है कि अगर आपका ख़राब हो गया तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी प्रेशर। इसमें प्रेशर का कोई इशू नहीं है, प्रेशर कितना भी आ रहा हो चाहे ना भी आ रहा हो तब भी चलेगा ये। हमारे पास ये गीज़र आया है, इसका आप पोस्टमार्टम करके देखते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, दूसरी साइड इसका एलिमेंट है जो कि ख़राब हो गया है, उसको चेंज करना है। हाँ, तो आज इसको पूरा खोल के दिखाएंगे आपको। ये इसका ना प्रेशर स्विच होता है, जब पीछे से धक्का आता है तो ये प्रेशर स्विच, जो ये बटन है ना, ये बटन ऊपर नीचे आता है, ये प्रेशर स्विच का काम करता है। तो कई बार ये भी ख़राब हो जाता है। ये एक स्पेशल टूल है जो कि हमने बनवाया हुआ है, तो थोड़ा सा ये वाला टूल मिलना मुश्किल होता है। ये बेसिकली आप वेल्डिंग से या खरादिया से बनवा सकते हैं। Thank you.
ये एलिमेंट निकाल लिया हमने, एलिमेंट ख़राब हो चुका था ये। ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आप इसका डिस्प्ले भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी एलिमेंट चेंज हुआ है। तो अभी फाइनल होने के बाद इसको चला के दिखाते हैं आपको टेस्टिंग करके। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल एलिमेंट अपना काम कर रहा है प्रॉपर। अभी थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। अभी टेम्परेचर 32 दिखा रहा है, थोड़ा सा डाउन करना हो रहा है। तो देखा आपने, बिल्कुल आसानी से आप इसको चेंज कर सकते हैं एलिमेंट को। बाकी इसका सारा सामान हमारे पास मिल जाता है, कोई पार्ट्स आपको चाहिए हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर।